इतना का मतलब कि पहले ही बनाया गया था, लेकिन आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं सफाया कर दिया गया है या लिपा भी गया है, इसको लिपाई पुताई सब हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर रहने के लिए बहुत ही अच्छा सा बना दिया। हमको सबसे अहम बात यहाँ पर लग रहा है ना कि चारों तरफ पूरा का पूरा ब्रिज लगाया गया है और यहाँ पर हमेशा ठंडा रहेगा हमेशा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो गाइस, खेतों में बना एक खूबसूरत झोपड़ी आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। और मैं घूमने आया था इधर खेतों की तरफ, तो यहाँ पर एक छोटा सा झोपड़ी है उसको हम आपको दिखाते हैं, जो कि खेतों में बना हुआ है और बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छी सी लोकेशन के साथ है। देखिए यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर पेड़ हैं, लिप्टिस के हैं, और झोपड़ी देखिए कितना प्यारा सा एक छोटा सा झोपड़ी जो कि यहाँ पर लोग ठहरने के लिए रहने के लिए बनाए हैं। और हर एक चीज़ है यहाँ पर यार, देखिए यहाँ पर ये गौरव जो कि पाथा गया है, इस यहाँ पर जो पाथा गया है उपला सभी, और बहुत ही प्यारा सा है देख सकते हैं। इतना ही में बहुत ही अच्छा सा किए हैं ये जिनका है वो, इधर ही पास में गांव है ना, यही गांव में के इनका घर है। तो बहुत ही प्यारा सा झोपड़ी देख सकते हैं कि एक खूबसूरत सा। और यहाँ पर तो और ज़्यादा ठंडी रहेगी, यहाँ पर आप लोग रहेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आएगा, तो बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए हवा चल रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर ठंडा ठंडा। अब देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, यहाँ पर जो लगाया गया है पेड़ उससे और खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर चारों दिशाओं में लगाया गया है देख सकते हैं पूरा। और यहाँ पर एक ये नींबू है, देखिए नींबू है शायद, हर एक पौधा भी लगाया गया। इधर आइए अब और सब दिखाते हैं कुछ, देखिए ये गोहराउल है ये सब। और यहाँ पर एक अमरूद का वृक्ष है देख सकते हैं, छोटा छोटा सा दो है, एक ये और ये एक ये, और यहाँ पर भी एक तीन है। और वहाँ पर बांस भी लगाया गया है देखिए, तीन चार थे उसमें जमा हुआ है। और यहाँ पर कुछ छोटे मोटे खेती भी की गई है, यहाँ पर देख सकते हैं बैंगन है ये सभी, और ये टमाटर अभी देख सकते हैं टमाटर, देखिए ये बहुत ज़्यादा हरे हरे हैं, अभी पके नहीं हैं फिलहाल में। तो बहुत ही अच्छा लगा, ये ताल के खेत ही है तो यहीं पर आए थे हम, तो यहाँ का ये हमको अच्छा सा लगा तो हमको इसे बनाना जरूर समझा, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा है झोपड़ी और बहुत ही अच्छा सा नज़ारा है यहाँ पर देखने के लिए, इसलिए हमने इसको बना दिया, ठीक है ना। देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा, मैं यहाँ पर यार बहुत दिनों के बाद आया हूँ ना, इधर आता हूँ लेकिन इसको बहुत ही कहने का मतलब कि पहले ही बनाया गया था लेकिन आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं सफाया कर दिया गया है या लिपा भी गया है, इसको लिपाई पुताई सब हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर रहने के लिए बहुत ही अच्छा सा बना दिया गया है, और देख सकते हैं यहाँ पर नींब भी, हर एक चीज़ है यार यहाँ पर, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमको सबसे अहम बात यहाँ पर लग रहा है ना कि चारों तरफ पूरा का पूरा ब्रिज लगाया गया है और यहाँ पर हमेशा ठंडा रहेगा हमेशा, गर्मी हो या जाड़ा हो हर समय ठंडा, मतलब हर एक मौसम में यहाँ पर अच्छा रहेगा रहने के लिए। जिस प्रकार के इन्होंने इसका डिज़ाइन दिया है, बनाया है इस पूरे माहौल को, बहुत ही अच्छा था। आपको बैक कैमरे से भी इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि फ्रंट से आप अच्छी प्रकार से नहीं देख पा रहे हैं इसको, थोड़ा सा दूर दूर से भी इसका पूरा अच्छा प्रकार से दिखा देते हैं बैक कैमरे से, ठीक है ना। तो देखिए आप तो देख सकते हैं ये है हट, फिलहाल में ये थोड़ा सा टूटा फूटा गया है लेकिन फिलहाल में फिर भी ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर खाट भी रखा गया है और उधर से मच्छरदानी वो लगाया गया है, बांधा गया है, और उसमें कुछ वस्त्र है जिनका है ये। और ये नीम के देखिए, नीम का वृक्ष है ये, और नीम पर ही इसका ये रखा गया है, इसका जो इसे अटकाया गया है इस हट को। और देखिए ये ब्रिज चारों तरफ, देखिए चारों तरफ ब्रिज, और यहाँ पर ये ताड़ के ब्रिज है, कितना नज़ारा मस्त है ना, देख सकते हैं। और इधर ये तो मैंने दिखाया ही, लेकिन फिर से देख सकते हैं आप बैक कैमरे से, ये दो गोहरवले हैं, एक छोटा सा एक बड़ा सा, और ये अभी
पाथा गया जो कि सूख जाएगा, तो फिर इसको इस पर रखा जाएगा, फिर ऐसा बना दिया जाएगा। और वहाँ पर देखिए पानी रखने के लिए, जिससे कि यहाँ पर पाथा जाता है वहाँ पर। और ये सब अमरूद के वृक्ष, 4-5 अमरूद के वृक्ष हैं। फिर उधर बीच में बांस लगाया गया है, और ये सब लिप्टिस से चारों तरफ से घेर दिया गया है जितना में इनका खेत है। और उधर से भी आपको दिखाते हैं नज़ारा पीछे से इसका, तो देखिए ये पीछे से नज़ारा है इसका, देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पर ये डंखा रखा गया है जो इस पर का गिरा है, ये डंखा, ये सब सरसों के कुछ डंडे से रखे गए हैं। और ये बबूल है, बबूल का एक वृक्ष है छोटा सा, दो, ये दोनों बबूल के वृक्ष हैं। तो आपको कैसा लगा यह हट? हमको तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। कहने का मतलब कि मैं हमेशा इधर आता नहीं हूँ, कभी कभी आ जाता हूँ। जैसे कि इस समय खेती का सीज़न चल रहा है, तो इस समय घूम रहे हैं हम लोग, इस समय घूम रहे हैं खेतों को, तो इधर ही आ गए देखने को। यहाँ मैंने देखा है इस झोपड़ी को पहले भी आकर, लेकिन ये इस समय पूरा का पूरा यह सफाई किया गया है ना, तब यह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। हर एक चीज़ है सकते हैं इसमें, पूरा यह नीचे का व्यू अच्छा प्रकार से किया गया है। तो कैसा लगा यह छोटा सा खेतों के बीच बनाया गया एक झोपड़ी या हट, हिंदी में इसे झोपड़ी और इंग्लिश में हट। तो हमको तो बहुत ही प्यारा लगा, एक थंबनेल के लिए यहाँ से ले सकते हैं इसका व्यू, ये थंबनेल के लिए, ठीक है ना। तो आपको देखने में मज़ा आया ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे हमेशा गांव में लोग बना देते हैं, वैसे यहाँ पर रहने के लिए बनाया है कि खेतों में इधर काम भी कर लेंगे और यहाँ पर ठहर भी सकते हैं, और बहुत लोग यहाँ पर ठहरेंगे भी जो खेतों में इधर काम कर रहे हैं ना। देखिए मैं बताया, पहले बताया कि इधर जो ताल का एरिया है हमारा ना, तो इधर पेड़ नहीं दिखेंगे, बहुत दूरी दूरी पर दिखेंगे, देख सकते हैं उधर उधर बहुत दूरी दूरी पर वो पेड़ दिख रहे हैं, इधर नज़दीक नहीं है वो, तो इधर नहीं रहता है ठहरने के लिए। तो ये बनाया गया है जो कि गांव भी उधर दूरी पर है, तो यहाँ पर ये बनाया गया है जो कि ठहरने के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। और कोई भी लोग यहाँ पर आकर ठहर सकते, रह सकते, कोई बोलेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, जिनका है वो, इसलिए वो बनाया ही गया है, लेकिन फिलहाल में उन्हीं के लिए है ये। लेकिन कोई भी रह सकता है, कोई गांव में, देखो गांव में किसी को कोई नहीं बोलता है, जान गए, गांव की यही रीत प्रीत अच्छा लगता है। कोई भी जाओ, किसी के घर जाओगे या कहीं भी जाओगे, तो गांव के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत लोग पूछते हैं आप कहीं से हो, कभी भी आप देख लीजिएगा कि गाँव के लोग बहुत अच्छे होते हैं लोग, कभी भी कहीं के भी गांव के लोग, हमारे ही नहीं हर जगह गांव के लोग, अगर कोई भी बंदा हो कहीं बाहर से भी आया हो, अगर उनसे कोई मदद मांगता है तो वो तुरंत कर देते हैं, हर एक चीज़ में गांव के लोग अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि यह ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं आपको फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए।